दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहू और बेटी एक समान। बहू को भी बेटी समझो, आखिरकार वह भी तो किसी की बेटी है। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी, नम्रता खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है, आज बाजार जाकर फल सब्जी मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है, ओरे उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। यहाँ आएगी तो कुछ दिन रहेगी, तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुँह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का तो चेहरा ही उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती, मैं भी तो दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान देती सासू माँ, आखिरकार मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ चली आती है, लेकिन मैं तो साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। आखिरकार मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो मन है, मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा सा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ और अपना मन हल्का करूँ। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए, अपनी बेटी की तरह है। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ही ली थी और उसकी ननद का फोन आया और ननद ने कहा कि माँ, इस बार मेरी सास ने मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती है क्योंकि सासू माँ ने मना कर दिया है। तो माँ कहती है, पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया आपकी सास ने, पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला ऐसा क्या हो गया है, लाओ मेरी बात कराओ उसे, मैं समझाती हूँ कि मेरी बेटी को क्यों नहीं आने दे रहे हो मायके। नम्रता ने फोन अपनी सास के पास दिया और पार्वती जी ने कहा, नमस्कार शमदन जी, आपसे कुछ कहना था। समदन जी ने भी कहा, कहिए। दरअसल नम्रता का त्योहार है इसलिए अपने मायके आना चाहती है, अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा जी। नम्रता की सास ने कहा, देखिए समदन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी भी नहीं रोका है और इस बात से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो अपने मायके जा कर के रहे। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी, वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माता जी से मिलने का मौका मिला। उसने गपशप के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक बार ही अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत ही कम समय के लिए मिलता है। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए, वह भी जब अपने मायके होकर आ जाएगी तो मैं नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। उसकी सासू ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया, एक बहुत ही जरूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए समदन जी, अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए, उसे भी उसके मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नम्रता के वहाँ आने से उसकी आव भगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो।
अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं, और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी और अपनी मनमर्जी करेगी। ऐसी परिस्थिति आए इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव जरूर ले आए अपने अंदर, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो और मिठास और रिश्ता दोनों बना रहे। पार्वती जी को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्होंने महसूस हुआ कि अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार ही नहीं किया है मैंने तो। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर ही रखा है। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन ही रही थी। उसने भी महसूस किया, उसे भी रियलाइज हुआ कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात तक नहीं करती है। जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनुपमा, कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आ जाओ। पार्वती जी को समझ में आ गई समंदी जी की बातें। यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल उठा, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। तुम एकदम से अनुपमा खुश हो गई और अगले ही दिन अनुपमा अपने मायके गई, और इस बार एक दो दिन नहीं पूरे एक हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई, और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा एकदम से खिला हुआ था, उसकी आंखों में भी चमक थी। अनुपमा के आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात भी की। नम्रता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि बहू भी तो बेटी होती है। और दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो जाए। पार्वती जी अपनी बहू को खुद की समय समय पर मायके भेज दिया करती थी खुद ही, और एक छोटे से बदलाव से सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज्यादा मिठास और मजबूत कर दिया। बस थोड़ी सी एक दूसरे को समझने की जरूरत है, क्योंकि हम अगर बहू को भी अपनी बेटी की तरह ही महसूस करेंगे समझेंगे तो बहू भी तो एक बेटी ही होती है जो आपको अपने माँ बाप के समान ही समझेगी। तो आप उसे थोड़ा सा प्यार देकर तो देखिए, बदले में आपको ढेर सारा प्यार देगी। जो भी करेगी वो दिल से करेगी, अपनेपन से करेगी, उसे लगेगा कि ये अपने ही है। वरना वो ससुराल में काम तो जरूर करती है लेकिन वो अपनापन नहीं रहता है। तो आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। हमारी कहानी का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, सारे पात्र बस काल्पनिक है, नाम एक संयोग मात्र हो सकता है, तो कोई भी अपने ऊपर ना ले। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राम राम जी सभी को, थैंक यू।